मैं आपको बता दूं कि डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है, ना सिर्फ इन तीन चीज़ों से, एक दो तीन, बल्कि चौथी चीज़ ये भी आ गई है, जो कि है पूरा का पूरा ग्लोसी फिनिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और ज़बरदस्त लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रेंज रोवर की विलार वगैरह में बैठे हो। अब भाई हम जैसे लोगों की तो यही विलार है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस अगेन मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए टाटा नेक्सॉन का एक और नया लाइनअप। हालांकि मैं पहले कवर कर चुका हूँ नई जो टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई है उसका प्योर वाली जो लाइनअप है, उसके बाद में जो ये टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा है टाटा नेक्सॉन का फियरलेस, उसको भी मैं कवर कर चुका हूँ। और इस पर्टिकुलर में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप से एक नीचे वाली लाइन यानी कि क्रिएटिव की जो लाइनअप है उसका ये टॉप एंड वेरिएंट है, क्रिएटिव प्लस एस। क्रिएटिव में भी अगेन तीन वेरिएंट आते हैं, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस। सामने आपके खड़ा है क्रिएटिव प्लस एस। क्रिएटिव लाइनअप में प्रॉपर लाइनअप की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर बेसिकली आपके सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल और टेल लैंप जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो फ्लोटिंग एलईडीज आती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। साथ में आपको ये वाले जो अलॉय व्हील जैसे दिखते हैं इस तरीके के, आपको ये नहीं अलॉय व्हील ही है, ऐसा कोई फेक अलॉय नहीं है, क्रिएटिव लाइनअप से स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में आपको चार स्पीकर के साथ दो ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस लाइनअप में 17 सेंटीमीटर का, यानी कि बड़े वाला। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टॉप माउंटेड रियर वाइपर और वॉशर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वाइपर अगेन जो आजकल रेंज रोवर स्टाइल में टाटा देने लग गया है, इस पर्टिकुलर गाड़ी से स्टार्ट किया बेसिकली। यहाँ पे आपको डिफोगर तो नहीं दिख रहा हुआ लेकिन वाइपर वहां ऊपर छुपा हुआ है और ये आपको क्रिएटिव लाइनअप से ही स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रियर व्यू कैमरा आ गया है। प्योर वाली लाइनअप में आपको कैमरा नहीं मिलता है, क्रिएटिव से ये जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी ग्लेयर, IRVM और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स भी क्रिएटिव वाली लाइनअप में मिल जाते हैं। क्रिएटिव प्लस में क्या है, क्रिएटिव प्लस में आपको टच स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, यानी कि 26 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी आती है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आपको 360 पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। क्रिएटिव प्लस एस है ये, इसलिए यहाँ पे आपको चार कैमराज देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि दोनों साइड मिरर्स के नीचे, साथ में फ्रंट में और रियर साइड में तो है ही। साथ में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक अपना IRVM यानी कि ऑटो डिमिंग IRVM भी मैंने आपको बताया है और अंदर जाके मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। साथ में आपको क्रिएटिव प्लस एस यानी कि अब आ गए हैं इस प्रॉपर प्लस एस पे, जिसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है विद वॉइस असिस्टेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिव प्लस एस वाला वेरिएंट। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं, प्राइसिंग है बेहद ही कमाल। प्लेटफॉर्म वही है, बॉडी भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन आगे और पीछे से जिस हिसाब से चेंजेस हुए हैं और अंदर जाके जो प्रीमियम फील आती है इस गाड़ी के अंदर, जो अप मार्केट और एडवांस एक गाड़ी का प्रॉपर यहाँ पे आपको फील देखने के लिए मिलता है, उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बन जाती है। एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 12,20,000 रुपये की आपको एक्सोरूम प्राइस पे मिलती है और ऑन रोड जाते जाते ये आपको पड़ेगी पूरी की पूरी 14,00,000 रुपए की, टू बी वेरी प्रिसाइज 13,97,000 रुपए की, बट राउंड फिगर में 14,00,000 हम बोलते हैं। मैंने आपको फियरलेस वेनियर की टॉप एंड वाली लाइनअप के अंदर दिखाया था कि वहां पे आपको फोग लैंप भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्रिएटिव वाली लाइनअप के अंदर फोग लैंप नहीं देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि 360 पार्किंग कैमरा दोनों ही वेरियंट्स में है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको दोनों ही वेरियंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। क्या कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा उसकी हम अंदर जाके बात करेंगे, जैसे कि अपना एयर प्योरीफायर हो गया है, वायरलेस चार्जर हो गया है, इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट वगैरह, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर फील देखोगे गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने के मिलता है, उसमें आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। सनरूफ हो गई, ऑटो डिमिंग IRVM हो गई, यहाँ पे फ्लोटिंग वही नई वाली टच स्क्रीन, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो और बहुत ही फर्स्ट क्लास इंटीरियर वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट से मैंने आपको दिखाया क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, अभी मैं साइड लुक आपको दिखा दूँ। साइड लुक में अगेन मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको फियरलेस वाली लाइनअप में दिखाया था, यानी कि जो टॉप एंड वाली लाइनअप है, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। ORVM अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है, 360 के लिए यहाँ पे भी मिलता है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी बेहतर हो गई है, बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे वाइट स्ट्रिप आती थी, लेकिन अब यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक में आ गई है, जो कि थोड़ी सी और प्रीमियम लगती है। और नीचे वाला ये पार्ट देखो, पहले नेक्सॉन में इतनी चौड़ी चौड़ी क्लैडिंग देखने के लिए मिलती थी, लेकिन ऊपर वाले इतने पोर्शन को अभी इन्होंने व्हाइट में पेंट कर दिया है और नीचे की तरफ आपको ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। ये काफी अप मार्केट सा लगेगा, अच्छा लगेगा बेसिकली देखने में, एक सिंपल सोबर और अच्छी लुक यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। हालांकि क्लैडिंग वगैरह अब भी इसके अंदर है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर अगेन मैं आपको बता दूं कि सनरूफ भी आ जाती है इस वेरिएंट के अंदर, साथ में आपको शार्कफिन एंटीना आ जाता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, चाबी मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके की देखने के लिए मिलती है, जो कि टाटा की सभी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको इस तरीके की चाबी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और साथ में यहाँ पे ये वाला बटन दबाते तो इसकी हेड लैंप या फिर टेल लैंप, सारी लैंप्स इसके ऑन हो जाते हैं इस तरीके से। एक और फीचर, क्या इसमें लॉक करने पे ORVM फोल्ड होते हैं? तो हाँ भाई,
फोल्ड हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड भी हो जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, वेलकम फीचर जिसको बोलते हैं। पीछे की तरफ सेंसर्स क्या है, आगे तो दो सेंसर और कैमरा दिया गया है, तो भाई पीछे की तरफ भी आपको सिर्फ दो ही सेंसर्स दिए गए हैं। चार सेंसर होते तो और बढ़िया हो जाता, मगर हाँ दो में भी काम अपना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 360 पार्किंग कैमरा भी आ गया है। टाटा का लोगो कंपेरेटिवली छोटा हो गया, यहाँ मैंने आपको बताई दिया कि डिफोगर नहीं आया है, वाइपर आ गया। ऊपर की तरफ आपका शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स वो तो है ही। क्रिएटिव वाली लाइनअप में भी आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से, और वही अपना बूट स्पेस आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है 382 लीटर्स का, जो कि अच्छा खासा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लो जी एकदम आग बरस रही है घर, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर टेम्परेचर होता है एकदम डबल, धूप देख रहे हो। लाइक कर दो इस बात पे, सब्सक्राइब मार दो, यस हाँ। तो भाई एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ये आती हैं बेसिकली अपनी फैब्रिक में। आप इससे ऊपर वाली लाइनअप में जाएंगे यानी कि फियरलेस वाली में भी जो तीन वेरिएंट है, पहला वेरिएंट में भी नहीं है, दूसरे वेरिएंट में भी नहीं है, तीसरे वेरिएंट में आपको जाके आती है लेदर वाली सीट्स, अदरवाइज सभी में फैब्रिक वाली है। हालांकि जो फियरलेस प्लस वाला वेरिएंट है या फिर फियरलेस एस वाला वेरिएंट है, उसके अंदर आपको एक टेक्सचर मिल जाता है पर्पल कलर का, वो थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल सोबर थोड़ा सा ग्रीन सा टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है। एयरबैग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी, हालांकि नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे फैब्रिक वाली सीटें काफी ज्यादा एक प्रैक्टिकल चॉइस रहती है। अगेन मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और साथ में फ्लोटिंग स्क्रीन और ये टाटा का लोगो इल्यूमिनेट होता है, वो आपको ध्यान से देखना है। यहां पे मैं बटन दबाऊंगा, ये देखिए ये टाटा का लोगो इल्यूमिनेट हो गया है, यहां पे आपकी स्क्रीन ऑन हो गई है, और ये वाला भी पूरा आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये ऑन हो गया है। ये पूरी स्क्रीन नहीं है जैसे कि फियरलेस एस वेरिएंट में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन हाँ आधा आपको डिजिटल मिलता है और आधा आपको इस तरीके से मिलता है, जो कि है तो ये भी डिजिटल ही, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर एक स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको हाफ में पूरा वो स्क्रीन मिलती है और साथ में साइडों में दो अलग अलग छोटे छोटे पोर्शंस बनाए गए हैं। और क्या है यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, फोन उठा सकते हैं काट सकते हैं, वॉइस असिस्टेंस वगैरह मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह आ गए हैं, अदरवाइज ऐसा मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और डिफरेंस मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लेदर जो स्टीयरिंग है वो नहीं मिल रहा है, हालांकि फियरलेस वाले एस वेरिएंट में यानी कि बीच वाले वेरिएंट में वो था। इसके अलावा सनरूफ अगेन आ गई है, बीच में आपको एलईडी मिल जाती है और आपकी सनरूफ इस तरीके से ओपन हो, जैसे ओपन होगी ये ब्लाइंड अंदर चला जाता है, ये भी एक बहुत बढ़िया टच है। इसको मैं कर देता हूँ बंद क्योंकि ज़्यादा सा फायदा इसका मुझे नज़र आ नहीं रहा है। और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में मिल जाता है टिकट होल्डर, को पैसेंजर साइड में आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो मेकअप करेगी तो वो खुश रहेगी। मैं आपको बता दूँ कि डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है, ना सिर्फ इन तीन चीज़ों से, एक दो तीन, बल्कि चौथी चीज़ ये भी आ गई है, जो कि है पूरा का पूरा ग्लोसी फिनिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और ज़बरदस्त लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रेंज रोवर की वेलार वगैरह में बैठे हो। अब भाई हम जैसे लोगों की तो यही वेलार है, रियल वेलार तो कभी भाई ना देखी है ना हम उसके अंदर बैठे हैं, बाकी ओवरऑल फील इसके अंदर बहुत भर भर के दे दिया है। यहाँ पे आपको ब्लैक टेक्सचर मिलता है, यहाँ पे भी टेक्सचर थोड़ा सा इस तरीके से मिल जाता है, बीच में एक सिल्वर कलर की फिनिश है और यहाँ पे बेज कलर का, ऐसा लगता है जैसे लेदर लेदर वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्टिचेस दिए गए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लेदर वाली फिनिश है, लेकिन लेदर ये एक्चुअली है नहीं, प्लास्टिक ही है। पुश बटन स्टार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत बढ़िया काम हो गया है। इनफैक्ट जो इसकी कैमरे की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया लग रही है, इनफैक्ट बिल्कुल क्लियर लग रही है। पीछे वाले जो गाड़ियां खड़ी है उसकी नंबर प्लेट भी आप पढ़ पाओगे, इतना बढ़िया इसका कैमरा बन गया है। और क्या कुछ है, अगेन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप क्रिएटिव लाइनअप में हो, फियरलेस लाइनअप में नहीं हो, तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो बहुत ही बड़ा सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ग्लव बॉक्स, ये आपको कूलिंग फंक्शन के साथ आता है, जो कि एक अच्छा टच है। अगेन यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह तो मिल जाता है, आगे पीछे दोनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है अगर आप फियरलेस से कंपेयर करते हो, वो है 60-40 का स्प्लिट फंक्शन। यहाँ पे आपको 60-40 तो नहीं आता है कम्प्लीटली फोल्ड, यानी कि जो बेड फोल्ड होता है उसको, लेकिन यहाँ पे आपको चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया बात हो गई है अपनी इस क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट की। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूं, ये है टाटा नेक्सोन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट, यानी कि क्रिएटिव लाइनअप में सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, जिसकी प्राइस है 12,20,000 रुपए एक्सोरूम प्राइस, और ऑन रोड जाते जाते 14 लाख की पड़ती है, 13,97,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। कैसी लगी ये गाड़ी और कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज लाइक कर दिया करना यार, कर दिया करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और मैंने सारी लाइनअप की वीडियो बना रखी है, सॉरी, जैसे ये अपनी क्रिएटिव लाइनअप है, इसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है यानी कि फियरलेस वाली लाइनअप है उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और प्योर वाली जो लाइनअप है उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बेस वेरिएंट अभी शोरूम में या फिर यहाँ पे स्टॉकयार्ड में आए नहीं है, अगर वो आया होता वो भी मैं आपको लिए आपके लिए बना देता। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।